हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका जीएस मेंटर प्रकाश राज आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस अड्डा विद पी से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। डियर फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी साइंस के अंतर्गत फिजिक्स पार्ट को, और फिजिक्स पार्ट में आज अपना चैप्टर है जो 9th क्लास का चैप्टर चैप्टर 9th है, और साउंड के बारे में अपन पढ़ेंगे कि साउंड क्या होती है, किस प्रकार का इसका संचरण किस तरीके से होता है, इसके माध्यम के अंतर्गत कौन कौन सी तरंगें होती हैं, उन तरंगों के बारे में जानेंगे। इसके अलावा जो ध्वनि की तरंग दैर्ध्य वो होती क्या होती है, इसकी तीव्रता, भौतिक राशियों पर इसका क्या इफेक्ट होता है, माध्यम के वेग से कि इसका क्या प्रभाव होता है, यानी कि इन सब चीज़ों के बारे में अपन डिटेल से एनालिसिस करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। अगर जब तक आप पूरा वॉच नहीं करेंगे, आप अच्छे से जान नहीं पाएंगे कि आपके सामने जो कंटेंट प्रस्तुत किया गया है उसमें क्या कुछ आपके सामने रखा गया है। तो आप फ्रेंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिए, और जितने भी हो सके, जहाँ तक हो सके, इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने जितने भी सोशल मीडिया ग्रुप में उसमें शेयर कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें और अपने जीएस नॉलेज को गेन कर सकें। तो एक बार फिर से गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपका जीएस मेंटर प्रकाश राज आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस अड्डा विद पीसी में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और आज अपन बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर, जिसका नाम है साउंड। तो जानते हैं कि सबसे पहले कि जो साउंड होती है किसे कहते हैं, साउंड ध्वनि किसे कहते हैं। तो ध्वनि के अपन डेफिनेशन की बात करें तो ध्वनि क्या है, एक ऊर्जा का ही रूप होता है, यानी कि एनर्जी का रूप ही क्या होता है, ऊर्जा। क्योंकि डेफिनेटली अपन जब अपन बोलते हैं, अपन कोई भी अपने मुंह से स्पीच निकालते हैं, कोई आवाज़ निकालते हैं, तो हमारी क्या है, ऊर्जा वेस्ट होती है। तो उस ऊर्जा के रूप को ही क्या कहा जाता है, ध्वनि कहा जाता है। तो ऊर्जा का वह रूप जो हमारे कानों से श्रवण का संवेदन उत्पन्न करता है, ध्वनि कहलाता है। कहने का मतलब, जब भी अपन अपन कोई स्पीच करते हैं, उस स्पीच के दौरान हमारे जो कानों में एक विशेष प्रकार की एक स्पेस का संवेदन उत्पन्न होता है, उस संवेदन को ही क्या कहा जाता है, ध्वनि कहा जाता है। तो फ्रेंड आप समझ पाए होंगे कि किसे कहेंगे ध्वनि, कि ऊर्जा का वह रूप जो हमारे कानों से स्वर्ण श्रवण का संवेदन उत्पन्न करता है, ध्वनि कहलाता है। ओके, फिर बात करते हैं अपन इसके फ्लो, इसके फ्लोटेशन की, कि ध्वनि का फ्लोटेशन, इसका संचरण किस तरह से होता है। तो द्रव्य या जो पदार्थ जिससे होकर ध्वनि संचरित होती है, माध्यम कहलाता है। यानी कि ध्वनि जिस द्रव्य या पदार्थ से होकर उसके मध्य से गुजरती है, उसी को क्या कहा जाता है, माध्यम कहा जाता है। और यह जो माध्यम होता है डियर फ्रेंड्स, वो किसी प्रकार का ठोस, गैस या द्रव्य किसी प्रकार का हो सकता है। ओके, तो स्रोत से होकर ध्वनि सुनने वाले तक किस माध्यम से होकर गुजरती है, ध्वनि संचरण से माध्यम के कण आगे नहीं बढ़ते, केवल विक्षोप ही संचरित होता है। कहने का मतलब यह है कि ध्वनि जब किसी किसी माध्यम से होकर आगे निकलती है, तो उस कंडीशन में ध्वनि संचरण में जो माध्यम के कण होते हैं, वो आगे न जाकर, आगे नहीं बढ़कर, उसका जो विक्षोप होता है, कहने उसकी जो एक निश्चित स्थिति, उसका क्राइटेरिया होता है, वो ही आगे की ओर संचारित होता है। ओके, तो ध्वनि निर्वात में कभी भी संचरित नहीं होती है। कहने का मतलब, जो खुली जगह होती है निर्वात में, जन की जहां उसको स्पेस नहीं मिले बाहर निकलने का, वहां ध्वनि कभी भी संचरित नहीं होती है। ओके, तो ध्वनि माध्यम में कर्मागत संपीड़नों तथा विदलनों के रूप में संचरित होती है। कहने का मतलब यह है कि जो ध्वनि होती है एक माध्यम के रूप में कर्मागत लगातार उसके बीच में, उसके बीच में जो संकुचन पैदा होता है, संपीड़न की स्थिति होती है। अब संपीड़न क्या होता है, आपने देखा होगा कि जैसे एक स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग को अपन पकड़ के खींचते हैं दोनों तरफ से, तो वो काफ़ी हो जाती है, जो ही छोड़ते हैं छोड़ते वापस अपनी स्थिति में आ जाती है, तो वो होती है संपीड़न की अवस्था। तो ऐसी स्थिति में ध्वनि संचरित होती है। ओके, ध्वनि का संचरण माध्यम के घनत्व के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि जो जो माध्यम का घनत्व होता है, जिस माध्यम में ध्वनि प्रसारित हो रही है, जिस माध्यम में ध्वनि संचरित हो रही है, उस माध्यम के डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कौन, ध्वनि का संचरण डिपेंड करता है। ओके, ध्वनि अधिक होने पर ध्वनि का वेग भी अधिक होगा। और कहने का मतलब यह है कि जो डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी किसी भी पदार्थ की, जो डेंसिटी है जिस माध्यम से जो किसी भी ध्वनि का जो संचरण है उस माध्यम की घनत्व पर डिपेंड कर रहा है, तो पदार्थ का जो घनत्व जितना ज़्यादा अधिक होगा, ध्वनि का वेग, ध्वनि का जो फ्लोटेशन है वो भी क्या होगा, अत्यधिक मात्रा में होगा। ओके, तो आप समझ पाए होंगे कि ध्वनि संचरण क्या होती है। मैंने क्या बताया कि ध्वनि होती है कहने किसम किसी न किसी पदार्थ या किसी द्रव्य के बीच में से होकर गुजरती है, वो क्या कहलाता है, माध्यम कहलाता है। और ये माध्यम कैसा भी हो सकता है, द्रव्य, ठोस, गैस, किसी प्रकार का हो सकता है। तो जब कोई भी इसका सुनने वाला होता है, तो वो हमेशा उसके माध्यम से होकर गुजरता है। उस स्थिति में ध्वनि के हमेशा जो कण होते हैं, वो कभी आगे नहीं बढ़कर, उसका केवल विक्षोभ ही क्या होता है, आगे की ओर मूव करता है। ओके, नेक्स्ट फैक्ट ये है कि ध्वनि कभी भी निर्वात में संचरित तो नहीं हो सकती है। इसके अलावा ध्वनि माध्यम में हमेशा क्रमागत रूप से जो संपीड़न होते हैं या विरलन होते हैं, उनकी मध्य में संचरित होती है। इसका घनत्व होता है वो हमेशा ध्वनि के माध्यम के ऊपर डिपेंड करता है।
ठीक है, और ध्वनि अधिक होने पर उस ध्वनि का वेग भी क्या होता है, अधिक होता है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता क्यों होती है, क्यों उसके लिए एक मीडिएटर की जरूरत होती है, उसके बारे में अपन जान लेते हैं। तो ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है तथा इसके संचरण के लिए किसी माध्यम जैसे धातु, जल, लोहे आदि की आवश्यकता होती है। यह निर्वात से होकर नहीं चल सकती है। कहने का मतलब, मैंने आपको बताया कि जो इसके माध्यम की बात करें तो हमेशा जो ध्वनि होती है कभी भी निर्वात से होकर नहीं चल सकती है। ओके, जानते हो तो ध्वनि क्या होती है, एक यांत्रिक तरंग के रूप में होती है, और उसके लिए हमेशा किसी न किसी माध्यम की जैसे कोई भी लोहा, जल आदि, यानी किसी भी माध्यम से होकर ध्वनि प्रवेश कर सकती है। ओके, यह निर्वात से होकर नहीं चल सकती है, और धर्म मैंने आपको बताया कि जो ध्वनि होती है कभी भी निर्वात से होकर नहीं चलती, निर्वात में कभी भी इसका फ्लोटेशन नहीं होता है। नेक्स्ट बात है कि ध्वनि की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है, कि जो साउंड की जो वेव, साउंड की जो स्पीड होती है, उसकी गति होती है, वो डिफरेंट डिफरेंट माध्यम में डिफरेंट डिफरेंट होती है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है ध्वनि की चाल पर भौतिक राशियों का प्रभाव, यानी कि जो कहने का मतलब जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, फिजिकल जो क्वांटिटी, उनका क्या इफेक्ट होता है ध्वनि की स्पीड पर। तो ध्वनि की चाल पर दाब का कोई भी प्रभाव नहीं होता है। सबसे पहला फैक्ट ये है कि जो ध्वनि की चाल है, ध्वनि जिस चाल से गति कर रही है उसके ऊपर जो प्रेशर होता है, प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। और जो जो अपन माध्यम का तापमान बढ़ाएंगे तो ध्वनि की चाल भी क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है। यानी कि जो जो ध्वनि की चाल बढ़ाते जाएंगे उस दौरान उसकी जो ध्वनि का ताप बढ़ाते हैं, ताप बढ़ाने के साथ साथ ध्वनि की चाल भी क्या होती है, इंक्रीज होती रहती है। ओके, नेक्स्ट फैक्ट ये कहता है कि हवा की आर्द्रता उसमें जल वाष्प की उपस्थिति के कारण होती है। यानी कि जो हवा के अंदर जो आर्द्रता पड़ती है, जो नमी प्रेजेंट होती है, वो नमी उसके अंदर जो जलवाष्प की स्थिति होती है, जो वाटर वेपोरेशन की स्थिति होती है, उसके कारण उत्पन्न होती है। ओके, नेक्स्ट, समान ताप एवं दाब पर जल वाष्प का घनत्व शुष्क हवा के घनत्व का लगभग 0.622 गुना होता है। कहने का मतलब ये है कि जब जल वाष्प युक्त ठंडा जो हवा है वो शुष्क हवा से क्या होती है, हमेशा हल्की होती है। और वो कितनी होती है, उसका लगभग कितनी, उसकी डेंसिटी कितनी होती है, 0.662 गुना होती है। ओके, नेक्स्ट, तो इससे स्पष्ट होता है कि आर्द्र हवा का घनत्व शुष्क हवा के घनत्व से हमेशा कैसा होगा, बिल्कुल ही लो होगा, कम होगा। किसका, आर्द्र हवा का घनत्व शुष्क हवा के घनत्व से हमेशा कैसा होता है, कम होता है। और आर्द्र हवा में ध्वनि का वेग होता है वो हमेशा शुष्क हवा के वेग से अत्यधिक होता है। अगर घनत्व की अपन बात करें तो घनत्व तो क्या होगा, आर्द्र हवा का घनत्व शुष्क हवा के घनत्व से कम होता है, जबकि उसके वेग की बात करें तो वेग हमेशा क्या होता है, अत्यधिक होता है। ओके, तो अर्थात इससे ये कह सकते हैं कि जो आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि का वेग भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, ध्वनि का वेग भी बढ़ता है। तो आई होप सो फ्रेंड आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, वो है माध्यम के वेग पर प्रभाव। अपन ने जाना कि भौतिक राशियों का क्या इफेक्ट होता है, कि बहुत ही सारा भौतिक राशियों का इफेक्ट ये कहता है कि ताप बढ़ाने पर ध्वनि का वेग भी बढ़ेगा, लेकिन दाब का इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। और जो इस पर जो हवा की आर्द्रता होती है उसमें जलवाष्प की उपस्थिति के कारण ऐसा पॉसिबल हो पाता है। कहने का मतलब जलवाष्पयुक्त हवा है वो हमेशा शुष्क वाष्पयुक्त से क्या होती है, हमेशा कम हल्की होती है। और इसीलिए इसी एक अपन ये कह सकते हैं कि आर्द्र हवा का घनत्व होता है वो शुष्क हवा के घनत्व से कम होता है, जबकि वेग हमेशा क्या होता है, अधिक होता है। कहने का मतलब ये है कि जो जो अपन ध्वनि का वेग बढ़ाएंगे, जो आर्द्रता का वेग बढ़ाते हैं, ध्वनि का वेग भी क्या होगा, इंक्रीज होता है। ओके, नेक्स्ट है माध्यम के वेग का प्रभाव। तो माध्यम के वेग की दिशा में ध्वनि की चाल हमेशा क्या होती है, इंक्रीज होती है। कहने का मतलब ये है कि इसके दिशा के वियन के विपरीत दिशा में घट जाती है, यानी कि जिस दिशा में ध्वनि बह रही है उस दिशा में तो माध्यम जो वेग की दिशा में ध्वनि की चाल हमेशा क्या होती है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है, लेकिन उसके जस्ट अपोजिट यानी कि उसकी विपरीत स्थिति में क्या होती है, हमेशा घटती जाती है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट है ध्वनि तरंगों की प्रकृति। तो ध्वनि तरंगों की प्रकृति के बारे में जाने तो इन दोनों ही प्रकारों को इनको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होती है अनुदैर्ध्य तरंगे और दूसरी होती है अनुप्रस्थ तरंगे। देखो नाम से इस पर अनुदैर्ध्य, कहने का मतलब एक दूसरे के साथ में गति नहीं करते हैं। ओके, तो
माध्यम के वेग की दिशा की बात करें तो अनुदैर्ध्य तरंगों की बात करते हैं तो इन तरंगों में माध्यम के कणों का विस्थापन होता है विक्षोभ के संचरण की दिशा के समांतर होता है। कहने का मतलब जिस स्थिति में ध्वनि फ्लो हो रही है उस स्थिति के समांतर स्थिति में माध्यम के कणों का विस्थापन होता है। ओके, तो कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति नहीं करते हैं लेकिन अपनी विराम अवस्था में आगे पीछे दोलन करते रहते हैं। तो जो अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं उस स्थिति में जो पदार्थ के जो कण होते हैं वो एक दूसरे की ओर गति न करके केवल अपने जिस स्टेज में वो प्रेजेंट होते हैं उसी स्टेज में क्या करते हैं एक दूसरे की ओर दोलन गति करते हैं, थोड़ा एक दूसरे में फ्लोटेशन मूव करते रहते हैं। ओके, तो ये होती है अनुदैर्ध्य तरंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो वो होती है अनुप्रस्थ तरंगे। तो ये वे तरंगे होती हैं जिनमें माध्यम के कण अपनी माध्य स्थितियों पर तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत गति करते हैं। ओके, तो आई होप सो फ्रेंड आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं वो है ध्वनि की तरंगे कि ध्वनि की तरंगों का इनके ऊपर तरंगों के तरंग धीरे का क्या इफेक्ट होता है। तो वह न्यूनतम दूरी जिसमें ध्वनि तरंग अपनी पुनरावृत्ति करती है उसकी तरंग धीरे कहलाती है। कहने का मतलब ये है कि किसी प्रकार की वह न्यूनतम दूरी है जिसमें ध्वनि तरंगे अपनी पुनरावृत्ति कहने का अपनी स्थिति को बार बार प्रदर्शित करती है, बार बार दर्शाती है, उसी को क्या कहा जाता है ध्वनि की तरंग धैर्य कहा जाता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जब दो कर्मागत संपीड़नों या विलनों या फिर दो कर्मागत सुरंगों या अनुप्रस्थ तरंगों के लिए के बीच की दूरी को तरंग धैर्य कहा जाता है। ओके, तो किसे कहेंगे यानी कि दो कर्मागत संपीड़नों या विलनों या दो कर्मागत गर्तों जो किसके लिए प्रेजेंट होते हैं अनुप्रस्थ तरंगों के लिए होते हैं तो उनके बीच की जो दूरी होती है उसी को क्या कहा जाता है तरंग धैर्य कहा जाता है। इसका मात्रक होता है वो हमेशा क्या होता है मीटर होता है। तो नेक्स्ट अपन बात करें वो है ध्वनि तरंग के अभिलक्षण। तो किसी ध्वनि तरंग के तीन अभिलक्षण होते हैं, एक होता है आवृत्ति जिसको फ्रिक्वेंसी कहा जाता है, दूसरा होता है आवृतकाल और एक होता है तारत्व। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फ्रिक्वेंसी की। फ्रिक्वेंसी क्या होती है कि एकांक समय में होने वाले दोलनों की कुल संख्या को क्या कहा जाता है आवृत्ति कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि कोई एक निश्चित समय हो तो निश्चित समय के दौरान जो ध्वनि की गति वो जितना ज़्यादा मूव करती है उन मूव करने की उसकी जो कुल संख्या होती है उसी को क्या कहा जाता है आवृत्ति कहा जाता है, जिसको न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और न्यू बराबर क्या होता है वन अपॉन टी होता है। यानी कि एकांक समय में तय की गई जो दोलनों की कुल संख्या है वही क्या कहलाएगी ध्वनि की आवृत्ति कहलाती है। ओके, तो ध्वनि की जो आवृत्ति न्यू ध्वनि का जो वेग वी और उसकी आवृत्ति न्यू है तथा तरंग दैर्ध्य लैम्डा के बीच में संबंध होता है। ओके, तो आई होप सो फ्रेंड आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आवर्तकाल की जिसको टाइम पीरियड कहा जाता है। तो टाइम पीरियड के बारे में जाने तो तरंग धीरे द्वारा माध्यम के घनत्व के एक संपूर्ण दोलन के लिए अगर किए गए समय को आवर्तकाल कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि तरंग द्वारा माध्यम के घनत्व के एक संपूर्ण दोलन के लिए किए गए समय जितने समय में किया जाता है उसी को क्या कहा जाता है आवर्तकाल कहा जाता है, जिसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मात्रक होता है वो हमेशा क्या होता है सेकंड होता है। तो एक बार फिर से रिपीट करूं कि आवर्तकाल किसे कहेंगे, तरंग द्वारा माध्यम के घनत्व के एक संपूर्ण दोलन में लिए गए समय को क्या कहा जाता है आवर्तकाल कहा जाता है। इसका मात्रक होता है वो सेकंड होता है, इसको टी के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट अपन बात करते हैं वो है तारत्व की। तारत्व क्या होता है, तो किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति को मस्तिष्क किस प्रकार अनुभव करता है उसे क्या कहते हैं तारत्व कहते हैं। तो किसे कहेंगे तारत्व, किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति को मस्तिष्क किस प्रकार से अनुभव करता है, यानी कोई भी ध्वनि किसी भी पदार्थ के द्वारा जो ध्वनि उत्सर्जित हो रही है उसकी आवृत्ति को मस्तिष्क के द्वारा किस प्रकार से उसको ग्रहण किया जाता है, किस प्रकार से उसको अनुभव किया जाता है उसी को क्या कहा जाता है तारत्व कहा जाता है। तो किसी स्रोत का कंपन जितनी शीघ्रता से होता है उसकी आवृत्ति भी उतनी क्या होगी अधिक होगी, उसका तारत्व भी हमेशा क्या होता है उतना ही अधिक होता है। कहने का मतलब यह है कि कोई भी स्रोत है और जितनी ज़्यादा उसमें कंपन होगा जितनी शीघ्रता से होता उसके अंदर अगर वाइब्रेशन होता है उस जितना वाइब्रेशन होगा उसकी आवृत्ति और साथ में उसका तारत्व भी उतनी क्या होगा अधिक होता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट अपन बात करें तो नेक्स्ट है आयाम। तो आयाम के अपन बारे में कि आयाम किसे कहते हैं, तो डियर फ्रेंड्स की आयाम वो होती है कि जिसके अंतर्गत किसी माध्यम में मूल स्थिति के दोनों ओर अधिकतम विक्षोभ को क्या कहा जाता है तरंग का
आयाम कहा जाता है। यानी कि कोई भी एक माध्यम जिसके अंदर विद्युत जो ध्वनि होती है वो क्या हो रही है, संचरित हो रही है। उन संचरित होने की स्थिति में उनके दोनों स्थितियों में जितना ज़्यादा अधिक विक्षोभ उत्पन्न होगा उसी को क्या कहा जाता है, तरंग का आयाम कहा जाता है। इसे साधारणतः कि अपन बात तो कैपिटल ए के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, और एकल ध्वनि की ध्वनि को क्या, एकल जो आवृत्ति होती है यानी कि सिंगल जो फ्रिक्वेंसी होती है उस फ्रिक्वेंसी की ध्वनि को क्या कहा जाता है, टोन कहा जाता है। ओके, तो आपके सामने क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टोन किसे कहते हैं, तो सीधा से याद रखो कि एकल आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहा जाता है, टोन कहते हैं। लेकिन और अनेक आवृत्तियों से विसरण से उत्पन्न ध्वनि को क्या कहते हैं, यानी कि एकल आवृत्ति से उत्पन्न ध्वनि को तो क्या कहेंगे, टोन कहते हैं। जबकि स्वर की बात करें तो अनेक प्रकार की आवृत्ति यानी कि विभिन्न प्रकार की आवृत्ति के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट अपन बात करें वो है तरंग वेग। तरंग वेग की बात करें तो तरंग वेग यानी कि जिस वेग से तरंग फ्लो होती है, जिस स्थिति में अपने निश्चित समय अपने आप ये दूरी तय करती है उसी को तरंग वेग कहा जाता है। तो देखो, तरंग के किसी बिंदु जैसे एक संपीतन या एक विरलन द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, तरंग वेग कहलाती है। ओके, तो तरंग जो ध्वनि का तरंग वेग वायु की वेग की अपेक्षा लोहे में क्या होता है, अत्यधिक होता है। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि तरंग का सर्वाधिक वेग किसमें होता है, तो सब सर्वाधिक वेग किसमें होता है, लोहे के अंदर, यानी कि ठोस पदार्थों में सबसे ज़्यादा होता है। तो लोहा क्या है, एक ठोस पदार्थ है, और इसे लोहे में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में ध्वनि का तरंग वेग होता है। किसकी अपेक्षा, एयर की अपेक्षा, वायु की अपेक्षा सबसे ज़्यादा होता है। ओके, अब अपन बात करते हैं कि ध्वनि की तीव्रता क्या होती है, इसकी स्पीडनेस कैसी होती है। तो किसी एकांक क्षेत्रफल से एक सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि की ऊर्जा को क्या कहा जाता है, ध्वनि की तीव्रता कहा जाता है। यानी कि कोई भी एक निश्चित समय उसके एकांक समय में जितने क्षेत्रफल के अंतर्गत ध्वनि गुजरती है उसी को क्या कहा जाता है, ध्वनि की तीव्रता कहा जाता है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट है साउंड बूम, यानी कि ध्वनि बूम किसे कहेंगे। तो प्रघाती तरंग से संबद्ध वायुदाब में परिवर्तन से एक बहुत तेज और प्रबल ध्वनि उत्पन्न होती है जिसे ध्वनि बूम कहते हैं। कहने के वाले भी विशेष प्रकार का ब्लास्ट उत्पन्न होता है, विशेष प्रकार का जो विस्फोट होता है उस विस्फोट को क्या कहा जाता है, ध्वनि बूम कहा जाता है। जैसे बात करते हैं, आपने देखो कि जो बम विस्फोट होता है, अब बम विस्फोट होता है तो एक बहुत भयंकर ध्वनि निकलती है, उस भयंकर ध्वनि को क्या कहा जाता है, ध्वनि बूम कहा जाता है, साउंड बूम उसे अपन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट अपन बात करें कि जो परावर्तन होता है, कि ध्वनि का परावर्तन किस तरह से, ध्वनि का फैलाव किस तरह से होता है। ओके, तो ध्वनि के परावर्तन के नियम के अनुसार ध्वनि के आपतन होने की दिशा तथा परावर्त होने की दिशा परावर्तक सतह पर खींचे गए अभिलेख के समान कोण बनाती है, और ये तीनों एक ही तल पर प्रेजेंट होते हैं। तो आपने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा होगा, उसमें आपने देखा होगा कि परावर्तन का नियम ये कहता है कि जो प्रकाश की किरण होती है वो प्रकाश किरण सीधी जो ही सूर्य की प्रकाश किरण आती है, सबसे पहले जो प्रकाश जो तल होता है उस तल से टकराती है, टकराने के बाद आपतित होती है, क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। तो वही स्थिति होती है कि जब ध्वनि अपनी दिशा में मूव करेगी तो उसमें आपतन होने की दिशा और परावर्तन होने की दिशा दोनों क्या कहती है, परावर्तक सतह के ऊपर खींचे गए अभिलंब कोण के बराबर होते हैं। ओके, और तीनों हमेशा किसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, एक ही तल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो ये होता है ध्वनि का परावर्तन किस तरह से होता है, कि प्रकाश की जो ध्वनि आएगी, ध्वनि जो ही ध्वनि आती है क्या करेगी, परावर्तक सतह से टकराती है, टकराने के बाद में क्या करेगी, परावर्तित हो जाती है। किधर, यानी कि जिस दिशा में परावर्तन की दिशा उधर परावर्तित हो जाती है, और एक विशेष उनके बीच में जो कोण बनता है जिसको अभिलंब कोण कहते हैं, उन ये तीनों क्या होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, समान होते हैं। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रतिध्वनि की, यानी कि ध्वनि की प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि कहलाती है। ओके, तो जैसे अपन किसी उच्च परावर्तक वस्तु, जैसे अपन किसी इमारत या किसी पहाड़ के निकट जाते हैं और अपन जोर से चिल्लाते हैं या ताली बजाते हैं, तो अपन देखते हैं कुछ समय पश्चात वहाँ वो ध्वनि गूंजने लगती है। या जैसे खाली कमरा होता है, ठीक है, तो खाली कमरे के अंदर अपन पूरे घर बंद करके जोर से चिल्लाते हैं तो अपनी आवाज़ उसके अंदर गूंजने लग जाए, काफ़ी देर तक गूंजती रहती, तो वो इस तरह से वो गूंजती हुई आवाज़ जो ध्वनि अपनी सुनाई देती है उसी को क्या कहा जाता है, प्रतिध्वनि कहा जाता है। तो किसे कहेंगे प्रतिध्वनि, किसी उचित परावर्तक वस्तु के निकट जोर से चिल्लाने या ताली बजाने से कुछ समय पश्चात वही ध्वनि फिर से सुनाई, उसी ध्वनि का बार बार सुनाई देना ही क्या कहलाता है, प्रतिध्वनि कहलाता है। ओके, तो आप समझ पाए होंगे, तो स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम 0.1 सेकंड का समय अंतराल होना चाहिए। कहने का मतलब उसके बीच में जो समय अंतराल होना वो कितना होना चाहिए, 0.1 सेकंड का समय अंतराल होना चाहिए। उस स्थिति में अपन जो ही अपन अगर ध्वनि करते हैं तो अपने को जो विशेष प्रकार जो स्पष्ट ध्वनि सुनाई देती है वही ध्वनि क्या कहलाती है, प्रतिध्वनि
कहलाती है। ओके नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट अपन बात करते हैं रिवर्बरेशन की, जिसको अनुकरण कहते हैं। तो किसी सभागार में ध्वनि निर्बध बार बार परावर्तनों के कारण होती है और इसे ही अनुकरण कहते हैं। कहने का मतलब, जैसे आपने देखा होगा सिनेमा हॉल को, आपने देखा होगा सिनेमा हॉल में जब मूवी चल रही होती है तो देखो आपने देखा होगा उसके चारों तरफ विभिन्न प्रकार के जो पर्दे से लगे होते हैं या एक विशेष प्रकार की दीवार सी बनाई जाती है, वो इसीलिए बनाई जाती है कि जो ही उसमें से जो साउंड निकलेगी वो साउंड उनसे टकरा कर वापस क्या कि उधर उसी पूरे हॉल के अंदर गूंजती रहे। तो वो क्या होता है, अनुकरण होता है। तो किसी सभागार में ध्वनि निर्बध बारंबार परावर्तन के कारण होता है और इसे ही क्या कहा जाता है, अनुकरण कहा जाता है। कहने का मतलब उसका बार बार उसी ध्वनि का अनुसरण होना अनुकरण कहलाता है। ओके नेक्स्ट अपन बात करते हैं वो है श्रव्यता का परिसर, कि श्रव्यता का परिसर क्या चीज होती है। तो मनुष्यों में ध्वनि की श्रव्यता का परिसर लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य में ध्वनि की श्रव्यता का परिसर कितना होता है, तो कितना होता है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होता है। लेकिन बात करें मैं 5 वर्ष से कम वर्ष के बच्चों या जंतुओं में, तो उनमें होता है, या कुत्ते की, कुत्ते की बात करें तो उसमें 25 किलो हर्ट्ज तक होता है। यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं, 5 वर्ष से कम उम्र की बच्चे होते हैं, जंतु होते हैं, वो 25 किलो हर्ट्ज तक की ध्वनि को आसानी से सुन सकते हैं। ओके नेक्स्ट अपन बात करते हैं अवश्रव्य ध्वनि। तो अवश्रव्य ध्वनि क्या होती है, तो श्रव्यता के परास से कम आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहा जाता है, अवश्रव्यता ध्वनि कहलाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है, जब जो 20 हर्ट्ज से भी कम की जो ध्वनि होती है उसी को क्या कहा जाता है, अवश्रव्य ध्वनि कहा जाता है। नेक्स्ट है पराश्रव्य ध्वनि। तो पराश्रव्य ध्वनि की बात करें तो ये होती है, ये उच्च आवृत्ति की ध्वनि होती है। कहने का मतलब जो श्रव्यता की परास से भी अधिक आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहते हैं, पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। अवश्रव्य ध्वनि तो कैसे कहेंगे, 20 हर्ट्ज से कम की भी जो ध्वनि होती है उसे अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं। लेकिन पराश्रव्य ध्वनि की बात करें तो श्रव्यता की परास से भी अधिक आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहते हैं, पराध्वनि कहते हैं। ओके नेक्स्ट अपन बात करें श्रवण सहायक युक्ति, जिन लोगों को कम सुनाई देता है, एक बार फिर से अपन डालते फ्रेंड कि पराध्वनि किसे कहते हैं, तो श्रव्यता की परास से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहते हैं, पराध्वनि कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जितने अपने को सुनाई देती है उससे भी वो मोर देन अगर इंक्रीज होती है, आवृत्ति इंक्रीज होती है तो उसको क्या कहा जाता है, पराध्वनि कहते हैं। ओके नेक्स्ट बात करें इनकी युक्तियों की, जो श्रवण सहायक युक्तियाँ होती है वो कौन कौन सी होती है उनके बारे में अपन जान लेते हैं। जैसे माइक्रोफोन है, इसके अलावा एम्पलीफायर है, स्पीकर्स वगैरह है, ये सारे क्या होते हैं, ये श्रवण सहायक युक्तियाँ होती हैं। ओके जिनसे अपने ध्वनि सुनाई देती है, तो जिन लोगों को कम सुनाई देता है उन्हें इन यंत्र की आवश्यकता होती है। तो यह बैटरी चलने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति होती है, इसमें एक छोटा सा माइक्रोफोन, एक एम्पलीफायर व स्पीकर लगा होता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो लोग बहरे होते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा इन श्रवण सहायक युक्ति की आवश्यकता होती है, कि उनके कान में एक मशीन लगाई जाती है जिसके अंदर कोई ना एक माइक्रोफोन होता है, एक स्पीकर होता है और जो बैटरी से कनेक्टेड होता है। तो जो ही बैटरी को अपन कनेक्टेड करते हैं, उसको ऑन करते हैं, तो जब भी कोई भी वो बोलता है तो उनको स्पष्ट सुनाई देता है। ओके तो श्रवण सहायक युक्ति कैसी होती है, बैटरी से संचालित होने वाली इलेक्ट्रॉनिक युक्ति होती है। ओके नेक्स्ट बात करते हैं कि स्पेशल फैक्ट के रूप में अपन जाने, तो आपने स्टेथोस्कोप देखा होगा, आप हॉस्पिटल्स में जाते हैं, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर देखता हो कानों में वो यंत्र सा लगा के आपके चेस्ट के ऊपर लगाता है या फिर आपके हार्ट के ऊपर उसको टच करता है, तो वो क्या होता है, उसको स्टेथोस्कोप कहा जाता है। ओके तो स्टेथोस्कोप में रोगी की धड़कन की ध्वनि बार बार परावर्तन के कारण डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। कहने का मतलब ये है कि हृदय की धड़कन की गति को जानने के लिए किसका यूज करते हैं, अपन स्टेथोस्कोपियों का यूज करते हैं। ओके फ्रेंड बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है पराध्वनि के अनुप्रयोग, यानी कि पराध्वनि के क्या क्या उपयोग हो सकते हैं। तो पराध्वनि हमेशा उच्च आवृत्ति की तरंगे होती हैं। पराध्वनि अवरोधों की उपस्थिति में एक निश्चित पथ पर गमन करती हैं। तीसरा, उद्योगों तथा चिकित्सा के क्षेत्र में पराध्वनियों का उपयोग किया जाता है। फोर्थ, पराध्वनि तरंगों को हृदय के विभिन्न भागों में परावर्तित कराकर हृदय का प्रतिबिंब बनाया जाता है और इस टेक्नोलॉजी के लिए इकोकार्डियोग्राफी को ECG कहा जाता है, का यूज किया जाता है। ओके
तो फिर से रिपीट करो, सबसे पहले तो पराध्वनि तरंगे होते हैं वो हमेशा उच्च फ्रिक्वेंसी की होती हैं, ओके, और इनकी अवरोधों की उपस्थिति में इनके ये एक निश्चित पथ के ऊपर गमन करती हैं। तीसरा, उद्योगों में चिकित्सा के क्षेत्र में इनका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इनके पराध्वनि तरंगों को हृदय के विभिन्न भागों में परावर्तित करके इन हृदय का प्रतिबिंब तैयार किया जाता है, और इस तकनीकी को क्या कहा जाता है, ईसीजी कहा जाता है, इकोकार्डियोग्राफी कहा जाता है, ओके। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो अल्ट्रासोनोग्राफी का उपयोग गर्भकाल में भ्रूण की जांच तथा उसके जन्मजात दोषों में उसकी वृद्धि की एनीमिया का पता लगाने में किया जाता है। तो आपको ये दोनों याद रखना है कि अल्ट्रासोनिक ईसीजी क्या होती है, कि प्रारंभ जो हृदय का प्रतिबिंब बनाने की जो एक टेक्नोलॉजी है उसको ईसीजी कहा जाता है, इकोकार्डियोग्राफी कहा जाता है, और अल्ट्रासोनोग्राफी का उपयोग किया जाता है जो गर्भकाल में जो जब माता पेट से होती है तो उसके पेट में बच्चा जो पल रहा होता है, जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो उसको जानने के लिए कि लड़का है कि लड़की है, तो उसकी जांच करने के लिए उसके अंदर किस प्रकार के जन्मजात दोष उत्पन्न हुए हैं या उसकी वृद्धि किस तरह से हो रही है, उन सबको जानने के लिए जिस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं उसको अल्ट्रासोनोग्राफी कहा जाता है। ओके फ्रेंड, तो आई होप सो फ्रेंड आप समझ पाए होंगे, और अगर आपको वास्तव में कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को अवश्य लाइक कीजिए, और आपके जितने भी सोशल मीडिया ग्रुप में उसमें इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके अन्य फ्रेंड्स हैं वो भी इसका भरपूर आनंद ले सकें। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो वो है सोनार की, कि सोनार क्या होता है। तो डियर फ्रेंड, जो सोनार शब्द है वो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग से बना है। कहने का मतलब सोनार की फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है कि सोनार की फुल फॉर्म क्या होती है, तो क्या होती है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होती है। ओके, तो सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा तथा चाल मापने के लिए पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। कहने का मतलब ये कि जो जल में स्थित जो पिंड होती है उनकी दूरी, दिशा या चाल मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है वो कौन होता है, सोनार होता है। ओके, तो ध्वनि की चाल मुख्यतः संचरित होने वाले माध्यम की प्रकृति तथा ताप के ऊपर डिपेंड करती है। तो ध्वनि की चाल अगर पूछे कि ध्वनि की चाल किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो माध्यम की प्रकृति और ताप के ऊपर डिपेंड करती है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, अब अपन जाने दो कुछ स्पेशल फैक्ट। सबसे पहले बात करते हैं अपन डॉपलर प्रभाव की, कि डॉपलर प्रभाव क्या होता है। तो डॉपलर प्रभाव एक ऐसा प्रभाव होता है कि जिसमें प्रेक्षक या ध्वनि स्रोत के बीच आपेक्षिक गति के कारण आवृत्ति में आभासी परिवर्तन होने की घटना को क्या कहा जाता है, डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि प्रेक्षक जो सुनने वाला है और ध्वनि जो स्रोत होता है, ओके, क्या होगा, कहने का मतलब ये जो ध्वनि जो स्रोत होता है और जो आवृत्ति की स्थिति होती है, उस स्थिति में उन दोनों के बीच में जो एक आभासी फ्रिक्वेंसी अपने को प्राप्त होती है उसी को क्या कहा जाता है, डॉपलर प्रभाव कहते हैं। इस प्रभाव को ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक क्रिश्चियन जॉन डॉपलर ने 1842 में प्रस्तुत किया था। तो डॉपलर प्रभाव को देने वाले कौन थे, ऑस्ट्रिया के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जिनका नाम था क्रिश्चियन जॉन डॉपलर, जिन्होंने 1842 ईस्वी में इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि प्रेक्षक या ध्वनि स्रोत के बीच आपेक्षिक गति के कारण आवृत्ति में आभासी परिवर्तित होने की घटना ही क्या कहलाती है, डॉपलर प्रभाव कहलाती है। ओके, अब अपन जान लेते हैं कि डॉपलर प्रभाव के हमारे दैनिक जीवन के ऊपर क्या इफेक्ट होता है उसके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं स्रोत की गति के कारण। तो जैसे प्लेटफॉर्म पे कोई भी एक प्रेक्षक को दूर से सीटी देता हुआ कोई इंजन जब प्लेटफॉर्म या उस प्रेक्षक की ओर आता है तो सीटी की ध्वनि क्या होती है, उसको तीक्ष्ण सुनाई देती है। कहने का मतलब आप जैसे अपन प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं और दूसरी तरफ से एक रेलगाड़ी आ रही है, बहुत तेज़ आवाज़ करती हुई आ रही है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ साउंड करती हुई आ रही है, तो उस जो जो हमारे पास में आएगी उसकी क्या आवाज़ क्या होती है, मेरे को बहुत ज़्यादा तेज़ सुनाई देती है, बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण सुनाई देती है। तो जो सीटी की ध्वनि तीक्ष्ण सुनाई देती है, जो सीटी को आवृत्ति में आभासी वृद्धि प्रदर्शित करती है, परंतु इंजन जैसे प्लेटफॉर्म को पार करके प्रेक्षक जो दूर जाता है उस स्थिति में दिन जो ध्वनि की आवाज़ होती है वो क्या होती है, धीरे धीरे मोटा सुनाई देती है, यानी कि उसको कहने के बाद उसके जो आभासी प्रवृत्ति का ह्रास होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे घटने लग जाता है, और उस घटने होता है तो इस घटना को प्रदर्शित करता है कौन, डॉपलर प्रभाव। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो जो गाड़ी अपने पास में आएगी तो आवाज़ क्या होगी, अपने को तीक्ष्ण सुनाई तेज सुनाई देगी, लेकिन जो हमारे से दूर चली जाती है उस स्थिति में उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा मोटी होती जाती है और कुछ समय पश्चात वो हमारे को बिल्कुल उसी सुनाई देना बंद हो जाती है। तो इस तरह से डॉपलर प्रभाव होता है। नेक्स्ट अपन बात करें प्रेक्षक की गति के कारण। तो यदि प्रेक्षक किसी गतिशील वाहन में बैठकर किसी ध्वनि स्रोत जैसे मील, किसी भी मील का सायरन है उसकी ओर जाता हो तो ध्वनि क्या होती है, हमेशा तीक्ष्ण सुनाई देती है।
ओके, अर्थात कहने का मतलब ये है कि दो आवृत्ति में आभासी वृद्धि होती है। ओके, तब प्रेक्षक से स्रोत से दूर जाने पर जो समय में जो ध्वनि होती है वो क्या होती है, मोटी होती जाती है। ओके, अर्थात आवृत्ति में आभास ख्वाश होता है, जो आभासी यानी कि जो जो दूर जाएंगे तो आवाज़ क्या होगी, मोटी सुनाई देगी, तो फ्रिक्वेंसी क्या होगी, घटती जाएगी। ठीक है, लेकिन जो जो उसके अपन पास वो जो जो पास में जाते हैं तो ध्वनि क्या होती है, तीक्ष्ण सुनाई देगी, यानी कि तेज सुनाई देती है। और उस स्थिति में जो आवृत्ति होती है, फ्रिक्वेंसी होती है, वो क्या होती है, उसमें इंक्रीजमेंट होता है, फ्रिक्वेंसी क्या होती है, बढ़ती है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट, तो इससे स्पष्ट होता है कि स्रोत तथा प्रेक्षक के बीच की दूरी घटने से क्रम में आवृत्ति बढ़ती जाती है, तथा दूरी बढ़ने में आवृत्ति क्या होती है, हमेशा घटती जाती है। मेरे कहने का मतलब समझ गए ना, कि जो जो अपन उसके पास में जाते हैं, स्रोत और प्रेक्षक के बीच की दूरी घटेगी घटेगी, तो उस समय तो आवृत्ति क्या होगी, बढ़ती जाएगी, लेकिन दूरी जो जो बढ़ती है उस स्थिति में फ्रिक्वेंसी क्या होती है, घटती जाती है। तो आई होप सो फ्रेंड आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है प्रकाश में डापलर प्रभाव, यानी कि प्रकाश के ऊपर डापलर प्रभाव का डापलर जो नियम है, इसका क्या इफेक्ट होता है। तो प्रकाश तरंगे भी डापलर प्रभाव को प्रदर्शित करती हैं, तो ध्वनि में डापलर प्रभाव असममित होता है, यानी कि साउंड की अपन बात करें तो साउंड के अंदर जो डॉपलर इफेक्ट होता है। अब डापलर प्रभाव क्या होता है कि प्रेक्षक और ध्वनि स्रोत के बीच में जो अपेक्षित गतिकरण, जो आवृत्ति में आभास होता है, उसको डापलर प्रभाव कहते हैं। तो ये जो डापलर प्रभाव होता है, ये हमेशा किसको, प्रकाश तरंगों में प्रदर्शित होता है। इसके अलावा इसका प्रभाव हमेशा कैसा होता है, असममित होता है, किसके अंदर, साउंड के अंदर असममित होता है, जबकि प्रकाश में डापलर प्रभाव क्या होता है, सममित आकार का होता है। इसका अर्थ यह है कि ध्वनि में डापलर प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि ध्वनि श्रोता की ओर आ रहा है या उससे दूर जा रहा है। कहने का मतलब यह है कि जो ध्वनि, कहने का मतलब क्या है कि ध्वनि है वो श्रोता की तरफ आ रही है, श्रोता से क्या क्या कर दिए, दूर जा रही है, जबकि प्रकाश में डापलर प्रभाव केवल प्रकाश स्रोत या दर्शक के बीच में आपेक्षिक वेग पर डिपेंड करता है। ओके, तो इस बात पर नहीं कि स्रोत दर्शक के निकट आ रहा है या दूर जा रहा है, जबकि प्रकाश के डापलर प्रभाव द्वारा सुदूर तारों में गैलेक्सियों के पृथ्वी के सापेक्ष वेग तथा उनकी गति की दिशा ज्ञात की जाती है। यानी कि जो डापलर इफेक्ट होता है, प्रकाश के डापलर इफेक्ट की बात करें, तो इसके द्वारा जो सुदूर तारों या गैलेक्सियां होती हैं, या जो पृथ्वी के सापेक्ष वेग या उनकी गति की दिशा को ज्ञात किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है वो है राडार। तो आप सभी जानते हैं कि राडार का एक वैज्ञानिक उपकरण होता है। तो राडार का आविष्कार टेलर व लियो यंग नामक वैज्ञानिक ने सन 1922 में किया था। यह यंत्र अंतरिक्ष में आने आने जाने वाले वायुयानों के संचुचरण और उनकी स्थिति ज्ञात करने में यूज लिया जाता है, या इसमें इसका उपयोग किया जाता है। यानी कि जो अंतरिक्ष से आने जाने वाले वायुयान हैं, उनके संचुचरण और उनकी स्थिति का पता लगाने के लिए जिस यंत्र का अपन यूज करते हैं, उसको क्या कहते हैं, राडार कहते हैं। तो राडार एक यंत्र है जिसकी सहायता से रेडियो तरंगों का उपयोग दूर की वस्तुओं का पता लगाने में तथा उनकी स्थिति अर्थात उनकी दूरी, दिशा और दूरी ज्ञात करने में किया जाता है। ओके, तो राडार का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि राडार किस प्रकार का यंत्र है या इसका किस में यूज किया जाता है। तो अगर बात करते हैं इसका खोजकर्ता की, इसके खोजकर्ता तो हैं टेलर व लियो यंग, जिन्होंने 1922 में इसकी खोज की। ठीक है, इसका यूज अपन बात करें तो इसका उपयोग इसकी सहायता से राडार की सहायता से रेडियो तरंगों का उपयोग होता है, वो दूर की वस्तुओं का पता लगाने में किया जाता है। इसके अलावा उसकी स्थिति और दूरी ज्ञात करने में किया जाता है। ठीक है, साथ में यह यंत्र अंतरिक्ष में आने जाने वाले वायुयानों के संसूचर और उनकी स्थिति ज्ञात करने में भी इसका यूज किया जाता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का सेशन? क्या वाकई में आपको लगता है ये आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है, कि आपके किसी भी फ्रेंड्स के लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है? तो आप जितने ज़्यादा हो सके, आपने जितने भी सोशल मीडिया ग्रुप है इसमें इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब इसे इतना सा होगा, कहीं ना कहीं उनको अच्छा लगेगा और आप मेरा भी एक छोटा सा मैसेज उन तक पहुँच पाएगा। तो दोस्तों, अगर अभी कोई भी किसी भी प्रकार की क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, या मेरे व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, उनके ऊपर भी आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट, जिसमें अपन इस जो साउंड है इस पार्ट के MCQs के बारे में डिटेल से एनालिसिस करेंगे। तो आज के लिए इतने फ्रेंड्स, धन्यवाद फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।